हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार चैनल में आ रहे हैं उनके लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल एंड द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल जहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलग अलग सेक्शन होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर सेक्शन हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो, सो डेफिनेटली इफ यू वांट इट ऑल इन वन प्लेस सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द चैनल। और अब तो सर्दियों से गर्मियां भी आ गई हैं, तो किस बात की देरी, पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया, तो डेफिनेटली यू शुड थिंक ऑफ सब्सक्राइबिंग द चैनल, है कि नहीं? तो ताकि मोटिवेशन आता रहे और आई कैन कंटिन्यू मेकिंग सच सेशंस फॉर यू ऑल। तो अभी जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, जो लास्ट 10 डेज है उसमें मेरा फोकस है। जो 2 अप्रैल को सीबीएसई कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होने वाला है, द एंटायर फोकस इज ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। सो दैट इज व्हाई ऑल द सेशंस जो रिसेंट है इट इज रिलेटेड टू दिस ओनली। As soon as what happens that 2 अप्रैल का एग्जाम हो जाए, उसके बाद अगेन जुडिशियल असिस्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप हैं, सो द प्रिपरेशन विल गो ऑन, द एनालिसिस ऑफ द पेपर, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन साइड बाय साइड। सो डेफिनेटली अभी फोकस सीबीएसई कंप्यूटर साइंस के पेपर में है। तो बच्चों जिन्होंने अभी तक कुछ तैयारी स्टार्ट नहीं किया, नो वरीज। सो जो भी सेशन में अपलोड कर रही हूँ, तो अगर आप लोगों ने उसको भी अच्छे से देख लिया, तो डेफिनेटली आई कैन एश्योर दैट यू विल बी गेटिंग 95+ इन योर एग्जाम ओनली बाय चेकिंग आउट द वीडियोस, दैट आई कैन एश्योर यू ऑल। सो वाई वेस्ट द टाइम एंड लेट अस स्टार्ट विद द सेशन टुडे, एंड जस्ट थिंक अबाउट द लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग वाला पार्ट जरूर कर लेना। सो आज भी एमसीक्यूज है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि प्रोग्रामिंग अच्छे से कर लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में फंस जाते हैं। सो टू हेल्प यू ऑल इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। आर यू ऑल रेडी? अब है एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, आएगा दो आएंगे। तो इस वाले स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, सीएसवी इज अ फाइल फॉर मैट फॉर डेटा स्टोरेज विच लुक्स लाइक अ टेक्स्ट फाइल। ऑब्वियसली है, ये बात तो सही है। एंड द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड विद वन रिकॉर्ड ऑन ईच लाइन एंड ईच फील्ड इज सेपरेटेड बाय द कॉमा। एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यस इट इज करेक्ट, एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट, इट्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए जो होता है ना, ऑप्शन ए होता है ना कि बोथ इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो दैट विल बी द आंसर। ओके सो जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होता है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। अ डिक्शनरी की मस्ट बी ऑफ अ डेटा टाइप दैट इज म्यूटेबल। नहीं, जो डिक्शनरी में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वन मंडे, तो जो हमारा की है वो तो इम्यूटेबल है। द वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज फॉर द कीज एंड द कीज आर इम्यूटेबल एंड द वैल्यूज आर म्यूटेबल। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट अ डिक्शनरी की मस्ट बी ऑफ अ डेटा टाइप दैट इज म्यूटेबल। नो, दैट इज इम्यूटेबल एंड द वैल्यूज आर म्यूटेबल। फाइन, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ डी? इसका डेटा टाइप क्या होगा अगर डी इज इक्वल टू 15, है ना? तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? अब मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है तो टपल है। नहीं, अगर टपल होता तो उसको ऐसे होना चाहिए था। अगर इंडिविजुअल वैल्यूज भी है, अगर सिंगल वैल्यू भी है, तो उसको कॉमा आना चाहिए था। इसमें कॉमा वॉमा कुछ नहीं है, सो इट विल बी ऑफ टाइप इंट, INT। फाइन, अब ये है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी कराया था। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि अगर हमारा नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर है, तो उसका इवैल्यूएशन का ऑर्डर क्या है? पहले नॉट इवैल्यूएट होगा एंड देन ए विल एंड विल बी इवैल्यूएटेड एंड और एन ए आ ओ, ये ध्यान रखना। फाइन, अब देखो तो फिर व्हाट डू यू सी? नॉट 5 और 4 एंड 10 एंड बाई, ठीक है?
अब देखो, नॉट पहले इवैल्यूएट कर देते हैं. नॉट फाइव मतलब ट्रू. जहां पे भी वैल्यू है उसका मतलब ट्रू होता है. तो नॉट फाइव क्या हो जाएगा? फॉल्स है कि नहीं? नॉट ट्रू मतलब फॉल्स. फॉल्स और फोर एंड टेन एंड बाई. ठीक है, जहां पे भी वैल्यू है उसका मतलब ट्रू है. अब ये बात ध्यान रखना है कि जब हमारा एंड ऑपरेटर होता है, तो डू यू रिमेम्बर दिस टेबल एक्स वाई? एक टेबल ऐसा होता था, 0001 1011, ये टेबल याद है? हियर इट इज 1 1. ठीक है, और यहाँ पे एक्स एंड वाई होता था. तो ऐसा होता था एक्स एक्स वाई वाई. डू यू रिमेम्बर दिस? और अगर एक्स और वाई होता है तो वाई वाई एक्स एक्स होता है. तो अब देखो, पहले एंड को इवेल्युएट कर लेते हैं. देखो, फॉल्स और फोर एंड टेन. फोर एंड टेन मतलब फोर भी ट्रू है, टेन भी ट्रू है. तो हमारा फोर्थ कंडीशन देखो, ट्रू ट्रू होने से वाई की वैल्यू आती है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेन. फोर एंड टेन मतलब ट्रू ट्रू है ना दोनों. तो उसमें ये एक्स है, ये वाई है, तो वाई की वैल्यू टेन है. टेन एंड वाई. अब सेम कंडीशन देखो, ये तो फॉल्स है और यहाँ पे और टेन एंड वाई. टेन एंड वाई मतलब अगेन ट्रू ट्रू. ट्रू ट्रू मतलब बाई की वैल्यू आएगी, तो इधर बाई हो जाएगा. अब फॉल्स और बाई, अब तुम लोगों को वो टेबल भी याद करना पड़ेगा, एक्स वाई 0001 1011. और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? वाई वाई एक्स एक्स. तो यहाँ पे क्या है? फॉल्स और ट्रू. फॉल्स और ट्रू मतलब वाई की वैल्यू आएगी. फॉल्स और ट्रू तो वाई की वैल्यू मतलब फाइनल आउटपुट आएगा हमारा बाई. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी. समझ में आया? तो दो टेबल याद जरूरी है कि एंड में एक्स एक्स वाई वाई होगा और में वाई वाई एक्स एक्स होगा. अब ये वेरी वेरी इजी कि फॉर आई इन क्वाइट प्रिंट आई डॉट लोअर है ना, और लिस्ट के फॉर्म में देखो, प्रिंट आई डॉट लोअर मतलब पहले क्या आएगा? क्यू. फिर उसको सेपरेट करो हैश से, फिर यू को छोटे में कर देंगे, एंड देन अगेन सेपरेटेड बाय हैश. तो ऐसा आएगा ना. सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. देखो, प्रिंट लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है ना, आई डॉट लोअर. फाइन. विच फाइल मोड कैन बी यूज टू ओपन अ बाइनरी फाइल इन बोथ अपेंड एंड रीड मोड? तो ए बी प्लस हो जाएगा, अपेंड एंड ये मोड. द एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन, कौन सी बिल्ट इन फंक्शन होती है जो कि एवरेज कैलकुलेट करती है? ए वी जी. एवरेज. ए बी जी क्या करती है? एवरेज ऑफ द वैल्यूज कैलकुलेट करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल बी यूज टू सिलेक्ट, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, यूज टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर डेटाबेस नेम्ड स्टूडेंट. तो डेटाबेस का नाम स्टूडेंट है और एक डेटाबेस माई एसक्यूएल में है उसका नाम स्टूडेंट है, हमको उसको सिलेक्ट करना है. तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? यूज स्टूडेंट. याद है ना, पहले हम जब डेटाबेस क्रिएट करते थे फिर यूज द नेम ऑफ द डेटाबेस. तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल. ठीक है, एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज अ फॉरेन की इफ इट इज द प्राइमरी की इन एनी अदर रिलेशन. सो आंसर होगा ऑप्शन सी. विच ऑप्शन करेक्टली टेल्स यू अबाउट द टेल फंक्शन? टेल मेथड होता है, इट टेल्स द करेंट पोजिशन ऑफ द फाइल. क्या है विद इन द फाइल, अभी क्या है फाइल पॉइंटर की पोजीशन, वो बताता है टेल मेथड. सो इट इज द करेक्ट आंसर. अब देखो, एसक्यूएल में व्हेन टू कंडीशन मस्ट बोथ बी ट्रू फॉर द रोज टू बी सिलेक्टेड, दो कंडीशन दिए गए हैं, जैसे कि नेम को ए से स्टार्ट होना चाहिए, सैलरी 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, दो कंडीशन है. तो वो एसक्यूएल कीवर्ड को हम कैसे लिखेंगे? बाय यूजिंग द एंड. एंड मतलब होता है कि बोथ द कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट. डैश प्रोटोकॉल प्रोवाइड एक्सेस टू द कमांड लाइन इंटरफेस ऑन अ रिमोट कंप्यूटर. जहां पे रिमोट कंप्यूटर, रिमोट नेटवर्क आ गया, हमेशा याद रखना कि टेलनेट प्रोटोकॉल होगा. टेलनेट विल बी द प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड एक्सेस टू द कमांड लाइन इंटरफेस ऑन अ रिमोट कंप्यूटर. विच स्टेटमेंट इन एसक्यूएल अलाउज टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ द टेबल? डेफिनेशन ऑफ द टेबल हमेशा याद रखना, जब भी स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल या डेफिनेशन ऑफ द टेबल के साथ काम कर रहे हो वहां पे ऑल्टर यूज होगा. जब भी तुम रिकॉर्ड्स के साथ काम कर रहे हो तो अपडेट यूज होगा. अपडेट के साथ सेट यूज होता है, पता है ना, अपडेट द नेम ऑफ द टेबल एंड देन सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 10, जो भी कंडीशन दिया होगा क्वेरीज में. The statement which is used to get the number of rows which is fetched by the execute method of it is
कर्सर डॉट रो काउंट, ऑप्शन ए। अब ये ट्रू और फॉल्स बताना है। पाइथन लैंग्वेज एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज होती है? जी हाँ जरूर होती है, तो द आंसर इज ट्रू। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एन इनवैलिड आइडेंटिफायर? अब ये याद है इनवैलिड आइडेंटिफायर मतलब कि जब हम आइडेंटिफायर्स का नाम देते हैं तो अंडरस्कोर तो अलाउ होता है, तो फर्स्ट वाला तो एब्सोल्युटली ठीक है। ऑप्शन बी में ये सेपरेट ये वाले के वजह से इट इज इनवैलिड, क्योंकि कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है एक्सेप्ट देन अंडरस्कोर। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो प्रिडिक्ट द आउटपुट। हमेशा याद रखना ये डिक्शनरी है और डिक्शनरी में क्या बोला है कि मार्क्स डॉट कीज, तो हमेशा याद रखना कि आउटपुट एक लिस्ट के फॉर्म में होगा। जब भी डिक्शनरी का आउटपुट होता है डॉट कीज डॉट वैल्यूज, तो हमेशा वो लिस्ट के फॉर्म में आएगा, तो हमारा बिना देखे वी विल जस्ट क्लिक ऑन ऑप्शन सी। अब देखो कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स पहले लिख दो, एंड फॉल्स और नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट? फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है? जीरो 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 मतलब फॉल्स, और फॉल्स और फॉल्स क्या होगा? फॉल्स जीरो प्लस जीरो इज जीरो ओनली, सो ऑब्वियसली आउटपुट फॉल्स है। ये तो बहुत ईजी था, है कि नहीं? अब एक चप्पल दे रखा है जॉन पीटर विकी, उसको ज्वाइन करना है हमको हैश से, ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? जॉन हैश पीटर हैश विकी, सो दैट इज द आउटपुट ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इन द फाइल ओपनिंग स्टेटमेंट रिजल्ट्स और जेनरेट्स एन एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट? ऑब्वियसली आर प्लस, अगर हम उस फाइल को रीड करना चाहते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वो एरर देगा, तो आर प्लस इज द करेक्ट आंसर। डैश कमांड इज यूज टू एड अ कॉलम। एड अ कॉलम, जैसे हमने एक टेबल बनाई और हमने सोचा कि अरे हमने सीएस के मार्क्स का तो कॉलम बनाया ही नहीं, तो मतलब अब हमको स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा ना, तो हम ऑल्टर यूज करेंगे। ऑल्टर क्या लिखेंगे? ऑल्टर फॉर एग्जाम्पल टेबल का नाम ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और अगर हमने मार्क्स सीएस के मार्क्स डालना भूल गए तो वो लोग देंगे कि कौन सा कॉलम एड करना है। एड सीएस मार्क्स, एड सीएस मार्क्स और क्या डेटा टाइप है इन, प्लस एड, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एड कॉलम सी एस मार्क्स, जो भी उन्होंने दिया होगा ना कि कॉलम का नाम क्या एड करना है, सो दैट यू विल एड। फाइन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यस और नॉट? आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएमएल? तो क्रिएट ऑल्टर और ड्रॉप तो हमारा डीडीएल है, सी ए डी इज डीडीएल, तो इंसर्ट हमारा डीएमएल इंसर्ट। Dash is a non-key attribute whose values are derived from the primary key of some other table, so that will be foreign key. Option A will be the correct answer. Which SQL keyword is used to retrieve only the unique values? जब हमको बस unique values के साथ काम करना, it will be nothing but distinct. Distinct will be the answer. Dash is a communication methodology which is designed to deliver the electronic mail over the internet. तो क्या होगा? ईमेल के लिए एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी आंसर होगा। हमेशा याद रखना कि अगर रिट्रीव द मेल आ गया तो पीओपी लिखोगे, इफ इट इज जस्ट टू सेंड द मेल दैट इज एसएमटीपी। विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स? तो इट विल बी नथिंग बट काउंट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन? एक फंक्शन होता है कनेक्ट, which is used to establish the connection between the Python and MySQL database. So, ये है आज के important MCQs and stay tuned, क्योंकि file handling और stack का एक अलग से मैंने बना दिया है. Within today, not today, sorry, by tomorrow or day after, I will upload that session and I think that will be the all for your preparation. एक networking पे भी है, दो sessions more. And if you see all these 5-6 sessions, तो you will definitely be in a safe zone. You will be in a safe zone to score 95 plus in your board exam. Or agar bahut acche se karoge to maybe 100. So all the best everyone, and God bless you all, and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you everyone. Bye bye. God bless.